म्यूजिक गैलेक्सी के एक और एडिशन के साथ मैं हूं तनवीर इकबाल। आज के प्रोग्राम में हम पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी प्लेबैक सिंगर पर बात करेंगे जिनकी फिल्म इंडस्ट्री से रिफाकत ज्यादा तवील नहीं, लेकिन उनके कामयाब और मकबूल नगमों की फहरिस्त काफी तवील है। दर्जनों सदाबहार गीतों की मालिक, जवां उम्र में इंतकाल करने वाली नसीम बेगम। जब सामने शाम ढले और चांद की शम्मा जले, मेरी आंखों के मेहमानों में तब जाम पे जाम चले। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की प्लेबैक सिंगर नसीम बेगम अमृतसर में सन 1936 में मौसीकी के चाहने वाले एक घराने में पैदा हुई। नसीम न सिर्फ क्लासिकल मौसीकी पर उबूर रखती थीं, बल्कि फिल्मी गायकी की तमाम ज़रूरतों और लवाजमात की हामिल होने के साथ साथ गज़ल की गायकी में भी पूरी महारत रखती थीं और गज़ल को उसके रिवायती अंदाज और उसलूब में गाने पर पूरी दस्तरस हासिल थी उन्हें। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से अपनी 15 साल रिफाकत में शोख चंचल, संजीदा और अलमिया हर तरह के नगमात गाए और सामीन और नाजरीन से बेपनाह दाद वसूल की। नसीम बेगम ने जब फिल्मी गायकी के मैदान में कदम रखा तो उस वक्त नूर जहां जैसी गुलुकारा मौजूद थीं। दीगर कई गुलुकाराएं भी अपने जौहर दिखा रही थीं, जिनमें सरफहरिस्त जुबैदा खानम थी। बहसियत प्लेबैक सिंगर उर्दू और पंजाबी दोनों जबानों में उन्होंने शानदार रिवायात कायम कर रखी थीं। उनके अलावा कौसर परवीन, मुनव्वर सुल्ताना, नाहिद नियाजी, आयरन परवीन और साथ ही इकबाल बानो भी मौजूद थीं। इन सब बेहद पुरकशिश गुलकाराओं की मौजूदगी में नसीम बेगम न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में दाखिल हुई, बल्कि कमाल शान के साथ और आन की आन में वो फिल्म इंडस्ट्री पर छा गईं। फिल्म सलमा का गीत था जो नसीम बेगम ने सन 1960 में गाया, और यही वो फिल्म है जिसमें नूरजहां ने पहली बार बहसियत प्लेबैक सिंगर के गीत गाया, जो कि अदाकारा बहार पर फिल्माया गया। इससे पहले तक वो सिर्फ वही गीत गाती थी जो कि फिल्म में उन पर ही पिक्चराइज किया जाता था। प्रोग्राम म्यूजिक गैलेक्सी में आज हम बात कर रहे हैं मारूफ प्लेबैक सिंगर नसीम बेगम पर। जैसे मैंने गुजारिश की कि नसीम बेगम ने अमृतसर में एक ऐसे घराने में आंख खोली जहां मौसीकी ही जरिया मुआश था। उनकी वालदा बुधा बाई एक मुगनिया थीं। घर पर तालीम के बाद मौसीकी की मजीद तालीम उस्ताद आशिक अली खान साहब से हासिल की, लेकिन उनको गायकी के असरार और रुमूज और लोगों की पसंद के मुताबिक गाने का गुर सिखाने वाली हस्ती थी गुलकारा मुख्तार बेगम। बर्रे सगीर के मारूफ ड्रामा निगार और शायर आगा हशर काश्मीरी की बेगम, मारूफ गुलकारा फरीदा खानम की बड़ी बहन। ये वही मुख्तार बेगम हैं जिन्होंने मलका तरन्नुम नूरजहां को भी गायकी, खासतौर पर प्लेबैक गायकी का हुनर सिखाया और फिर उन्हें नूरजहां का टाइटल भी दिया, और यूं अल्लाह रखी वसाई के नाम के साथ पैदा होने वाली सारी उम्र नूरजहां कहलाई।
बात हो रही थी नसीम बेगम की, जिन्होंने मौसीकी की असल तरबियत मुख्तार बेगम से हासिल की। मुख्तार बेगम ने उन्हें पटियाला घराने की मौसीकी सिखाई। नसीम बेगम मुख्तार बेगम का बहुत एहतराम से हमेशा जिक्र करती और उन्हें बीबी जी कहा करती थी। मैं पटियाले की गायकी को पसंद करती हूँ क्योंकि मैं उस घराने की शागिर्द हूँ। मैंने गाना मुख्तार बेगम से सीखा है और जो कुछ भी मैं करती हूँ और खुदा ने मेरा इतना नाम किया ये उनकी बदौलत है। मगर मैंने तो उनके घर में ही परवरिश पाई है और उन्होंने मुझे शागिर्द भी बेटी समझ के रखा है। उनके पास ही मैं रहती थी, उनके पास ही रह के मैंने गाना भी सीखा है। कहते हैं कि नसीम बेगम ने सन 1956 में पहली बार किसी फिल्म के लिए गीत गाया। इस सिलसिले में बाबा जी ए चिश्ती की मौसीकी में फिल्म गुड्डी गुड्डा के लिए उन्होंने गालबन सोलो गीत गाया, लेकिन उन्हें अवामी तवज्जो और मकबूलियत हासिल करने के लिए बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना पड़ा। सिर्फ 2 साल बाद यानी सन 1958 में एक फिल्म बनी बेगुनाह। इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे मियां शहरयार और मियां साहब की भी बतौर म्यूजिक डायरेक्टर ये पहली फिल्म थी। इस फिल्म यानी बेगुनाह के डायरेक्टर थे अनवर बेग और उन्होंने इस फिल्म में नैयर सुल्ताना के मुकाबिल हीरो का रोल भी किया था। सन 1958 में रिलीज होने वाली फिल्म बेगुनाह के प्रोड्यूसर थे सैयद आशूर कासमी। शाह साहब शायर भी थे, उन्होंने एक गीत लिखा, मियां शहरयार ने उसकी तर्ज बनाई और जब ये गीत नसीम बेगम की आवाज में रिकॉर्ड हुआ तो मौसीकी के चाहने वालों में इस गीत की धूम मच गई। नसीम बेगम इस नगमे को गाते ही सफ़े अव्वल की गुलुकारा बन गईं। अपने इस गीत के बारे में खुद नसीम बेगम ने रेडियो पाकिस्तान कराची को अपने एक इंटरव्यू में बताया था। जी पहले मैं कोरस गाया करती थी, फिर फिल्म बेगुनाह शुरू हुई तो उसमें शहरयार साहब ने मुझे बुलवाया, तो वो उनकी भी पहली पिक्चर थी तो उन्होंने मुझे बुलवाया गाने के लिए। वो खुदा ने गाना बहुत मकबूल कर दिया, उसी की वजह से मेरा इंडस्ट्री में नाम हो गया। और जब खुदा मेहरबान हो जाए तो दुनिया भी मेहरबान हो जाए, कोई पूछता नहीं था। मगर रब है कि अल्लाह की मेहरबानी है, मैं लाख लाख शुक्र है, मैं तो शुक्रिया अदा ही नहीं कर सकता। नैनो मी जल भर आए मूर्ख मन तड़ पाए सन 1956 में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने वाली नसीम बेगम सिर्फ 1 साल में ही फिल्म इंडस्ट्री में अपने कदम जमाने में कामयाब हो गईं और फिर साल ब साल उनके कामयाब और मकबूल नगमों की तादाद में नहायत तेज़ी से इजाफा होने लगा। अभी फिल्म बेगुनाह के गीत की नगमगी में शायकीन झूम ही रहे थे कि पंजाबी फिल्मों की तारीख में एक कामयाब तरीन फिल्म सन 1959 में नुमाइश के लिए पेश हुई करतार सिंह। सन 1947 में तकसीम हिंद के तनाजुर में पेश की जाने वाली इस फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे मारूफ शायर सैफुद्दीन सैफ और फिल्म की कहानी भी उन्होंने खुद ही तहरीर की थी। इस फिल्म का एक गीत नसीम बेगम की आवाज में रिकॉर्ड हुआ। सन 1959 में देश की फजाओं में गूंजने वाला वारिस लुधियानवी का लिखा ये गीत आज भी हर शादी ब्याह की तकरीब का लाजमी हिस्सा होता है।
करतार सिंह फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे सलीम इकबाल। मुसीकारों की इस जोड़ी ने भी फिल्म इंडस्ट्री को कई लाजवाब गीत और फिल्में दीं। दरवाजा, बाजी, फन्ने खान, पाकिजा, मेरा घर मेरी जन्नत और पिया मिलन की आस जैसी फिल्में उनकी कामयाब फिल्मों की फहरिस्त में शामिल हैं। नसीम बेगम की कामयाबियों का सिलसिला हर आने वाले वक्त के साथ मजीद बेहतर होता जा रहा था। सन 1960 में नैयर सुल्ताना, दर्पण और शमीमारा की सुपर हिट फिल्म बनी सहेली। सहेली वो फिल्म थी जिसकी कहानी, अदाकारों की परफॉर्मेंस और फिल्म के गीतों ने शायकीन की खुसूसी तवज्जो हासिल की और कराची में फिल्म की 60 हफ्ते तक कामयाब नुमाइश जारी रही। सहेली फिल्म के डायरेक्टर थे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की कई कामयाब फिल्मों के डायरेक्टर SM यूसुफ। SM यूसुफ ने पाकिस्तानी फिल्मी शायकीन को औलाद, आशियाना, होनहार, सुहागन, शरीक हयात और नेक परवीन जैसी फिल्में दी, जबकि सहेली फिल्म के मुतरन्नम गीत कंपोज किए थे मारूफ म्यूजिक डायरेक्टर A हमीद ने। नसीम बेगम के गाए दो नगमों की झलक, जिनके शायर हैं फैयाज हाशमी। हमने जो फूल चुने दिल में चुभे जाते हैं, कितने प्यारे हैं जो गम हंस के सहे जाते हैं। हमने जो फूल चुने हम भूल गए हर बात, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। क्या क्या हुआ दिल के साथ, क्या क्या हुआ दिल के साथ, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। म्यूजिक गैलेक्सी में आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की एक बहुत ही मायानास प्लेबैक सिंगर नसीम बेगम की। सन 1960 का साल नसीम बेगम के कैरियर में एक और संगमील लेकर आया। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा अहम अवार्ड निगार हर साल फिल्म इंडस्ट्री में नुमायाँ और बेमिसाल खिदमात सर अंजाम देने वालों को दिया जाता था। उस साल यानी सन 1960 में पहली बार नसीम बेगम को बेहतरीन गुलकारा करार दिया गया और उन्हें पहली मरतबा निगार अवार्ड मिला। कुल मिलाकर इस साल 40 फिल्में नुमाइश के लिए पेश हुईं। इसी साल सुपरहिट फिल्म बनी सहेली, रात के राही भी इसी साल नुमाइश के लिए पेश की गई और इन दोनों फिल्मों का म्यूजिक भी बहुत शानदार था और कई बेहद मकबूल गीत इन दोनों और दीगर नुमाइश के लिए पेश की जाने वाली फिल्मों में शामिल थे, लेकिन अवार्ड फिल्म शाम ढले के गीत को मिला। सन 1960 में 16 दिसंबर को रिलीज होने वाली इस फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे संतोष कुमार। फिल्म में भी उन्होंने सबिया खानम के साथ मरकजी किरदार अदा किया। बिजनेस के एतबार से शाम ढले एक एवरेज फिल्म साबित हुई, लेकिन नसीम बेगम की गाई सूफी गुलाम मुस्तफा तबस्सुम की गजल ने, जिसकी धुन रशीद अतरे ने बनाई, जो कामयाबी और मकबूलियत समेटी, वो फिल्म शाम ढले का हासिल साबित हुई। नसीम बेगम के कैरियर में ये उनका पहला निगार अवार्ड था। आने वाले सालों में उन्हें मजीद 3 अवार्ड्स मिले। सन 1962 में फिल्म शहीद, 1963 में फिल्म बाजी और 1964 में फिल्म लुटेरा के नगमे पर नसीम बेगम को साल की बेहतरीन गुलकारा का अवार्ड मिला। हम हैं दोस्त अश्के नमा की नहर है, अश्के नमा की नहर है, और हम हैं दोस्त
का शहर है। चंदा तोरी चांदनी में जिया जला जाए रे, चंदा तोरी चांदनी में जिया जला जाए रे। बिरहा की बैरी रहना बीते नहीं हाए रे, चंदा तोरी चांदनी में गाहे हो गई पूर्णम जरा। नसीम बेगम के गाए फिल्म शहीद, बाजी और लुटेरा के ये वो कमाल के नगमात थे जिनको निगार अवार्ड मिला, मकबूलियत की सनत मिली। याद करवाता चलूं कि पहला निगार अवार्ड उनको सन 1960 में बनने वाली फिल्म शाम ढले में मिला था, और इसी साल पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में एक और गुलकारा खामोशी से दाखिल हुई, माला बेगम। पहला नगमा उन्होंने रशीद अतरे की मौसीकी में गाया, फिल्म थी डाकू की लड़की। पहले गीत ने तो कोई खास तासुर नहीं छोड़ा, लेकिन 1962 में महबूब फिल्म का गीत सपनों में उड़ी उड़ी जाऊं सुनकर मौसीकी के दिलदादा शायकीन चौंके। फिर 1963 में फिल्म बनी इश्क पर जोर नहीं, और एक गीत साईं अख्तर हुसैन की मखसूस अलाप के साथ सुनने वालों ने सुना तो माला की धूम मच गई। लेकिन जब माला ने 1965 में बनने वाली फिल्म नायला में मास्टर इनायत हुसैन की मौसीकी में गीत गाए तो उन्हें कमाल की मकबूलियत और कबूलियत हासिल हुई। उस फिल्म के बाद माला बेगम फिल्म इंडस्ट्री पर छा गईं, और फिल्म साजों और म्यूजिक डायरेक्टरों ने माला की तरफ तवज्जो बढ़ा दी। ये वो दौर था जब नसीम बेगम को उर्दू फिल्मों में नगमात गाने का मौका कम मिलने लगा, लेकिन पंजाबी फिल्मों में उनकी मांग बदस्तूर मौजूद रही। और इसी दौरान नसीम बेगम को ये एहसास भी हासिल हुआ कि उन्होंने मौसीकार जिया चिश्ती और गीत निगार हज़ी क़ादरी के गानों की सेंचुरियां मुकम्मल की। इस दौरान चंद बहुत ही खूबसूरत पंजाबी गीत तख्लीक हुए। दिल टूट जाए जिदी गल मुक जाए जिनू चोट लगे ओ जानी, दुखी दिल दा हाल की जानन लोग बगाने। जिदा दिल टूट जाए जिदी गल मुक जाए जिनू चोट लगे ओ जानी, सानू भी ले चल नाल रे बाऊ सोनी गड्डी वालिया। अभी मैं जिक्र कर रहा था कि नसीम बेगम ने मौसीकार जिया चिश्ती और गीत निगार हज़ी क़ादरी के साथ अपने गीतों की सेंचुरियां बनाई। अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा गीत जो उन्होंने किसी मर्द गुलकार के साथ गाए वो मसूद राणा थे। मसूद राणा वैसे भी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फिल्मी गीत गाने वाले मेल प्लेबैक सिंगर हैं। इसी तरह नसीम बेगम ने ख़वातीन गुलकाराओं के साथ भी काफ़ी गीत गाए। कहते हैं कि गुलकारा आयरन परवीन के साथ उन्होंने 50 से ज्यादा गीत रिकॉर्ड करवाए, जबकि माला बेगम और नसीम बेगम ने भी अच्छे खासे दो गाने गाए। इसी तरह नूर जहां के साथ भी नसीम बेगम के दो गाने मौजूद हैं। इस वक्त मैं आपकी खिदमत में नसीम बेगम के कुछ दो गानों की झलक सुनवा रहा हूं, लेकिन ये तमाम दो गाने नसीम बेगम के मेल सिंगर्स के साथ। लोग ऐसे भी हैं अपना के बदल
बदले है न बदलेंगे कसम खाते हैं। सोच के कहीं जरा, सोच के कहीं जरा, बात ये आसान नहीं, तुम मिले प्यार मिला। बादलों में छुप रहा है चांद क्यों, अपने हुस्न की जिया से पूछ लो। चांदनी पड़ी हुई है मांद क्यों, अपनी ही किसी अदा से पूछ लो। बादलों में छुप रहा है चांद क्यों, बर्बाद हुई दिल की दुनिया, वो प्यार का सपना टूट गया, वो प्यार का सपना टूट गया। दुनिया में हमारा कोई नहीं, ले चल अब ए दिल और कहीं, जहाँ कोई न गम न हो कोई सितम, दुख दर्द न हो कोई दुनिया का। मेरा प्यार भरा संसार लुटा, तुम ये बताओ क्या लोगे। बात हो रही थी नसीम बेगम के मुख्तलिफ गुलुकारों के साथ दो गानों पर। आमतौर पर यह भी देखा गया है कि कई गुलुकारों की आवाज किसी एक मखसूस अदाकार या अदाकारा के लिए ज्यादा मौजू समझी जाती है, जैसे अहमद रुश्दी वहीद मुराद के लिए ज्यादा मौजू समझे गए, नदीम और मोहम्मद अली पर मेहदी हसन ज्यादा जचते थे। अगर हम नसीम बेगम को देखें तो उनके ज्यादा गीत अदाकारा फिरदौस, नगमा और नीलो पर फिल्माए गए। वैसे भी उस दौर में जब नसीम बेगम अपने उरूज पर थी, ये अदाकाराएं फिल्म इंडस्ट्री पर छाई हुई थीं। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि नसीम बेगम का अगरचे फिल्म इंडस्ट्री का ताल्लुक तो तकरीबन कोई 14 बरस पर मुहित है, लेकिन इनमें मकबूल और कामयाब गीत खासी तादाद में हैं। इस मुख्तसर वक्त में मेरे लिए ये काफ़ी मुश्किल है कि हर गीत को प्रोग्राम में शामिल कर सकूं, इंतखाब बेहद मुश्किल है। बहरहाल यहाँ कुछ गीतों की झलक सुनते हैं और देखें कि उन्होंने कैसे कैसे उम्दा गीत गाए। तेरी मर्जी तू आए या ना आए, मैंने तो तेरा इंतजार किया, अब तेरी मर्जी तू आए या ना आए, अब तेरी मर्जी तू आए या ना आए। अब कहां की वफा, यादें वफा तेरा हम
ऐसा अमूमन होता है कि किसी भी फिल्म में शूटिंग के दौरान किसी मुकालमे या किसी सीन ने किसी अदाकार को बेहद मुतासिर किया हो और वो फिर काफ़ी जज्बाती भी हो गए हों। गुलकारों के साथ भी बाज़ औक़ात ऐसा होता रहा है कि किसी धुन ने उनको ऐसा अपने सहर में जकड़ा कि वो बेखुद हो गए हों या किसी नगमे की शायरी ने उन पर बेहद असर छोड़ा। नसीम बेगम भी अपने कैरियर के दौरान ऐसे ही कई तजुर्बात से गुजरी। इसी तरह के गीत का जिक्र नसीम बेगम ने कुछ इस तरह किया। मेरे ख्याल में अब मैंने पीछे एक गाना गाया था फिल्म शुक्रिया का। वैसे गाने तो मैंने सबके गाती हूँ, जितने म्यूजिक डायरेक्टरों के गाने गाती हूँ दिल से गाती हूँ, क्योंकि इसमें मेरी भी इज्जत है। अच्छा गाऊंगी तब, जब बुरा गाऊंगी तो मेरी बदनामी होगी, तो इसलिए मैं तो वैसे वो जो सिचुएशन थी फिल्म शुक्रिया की, वो गाना ऐसा मैंने गाया कि मैं खुद रो पड़ी। जाओ जी धर ले चली है किस्मत, साथ रहेंगी माँ की दुआएं। जाओ मेरी जान होगा निगेबां, अल्लाह तुम्हारा एक मेरा चांद एक मेरा तारा। अम्मी की लाडली अब्बा का प्यारा, एक मेरा चांद एक मेरा तारा। नसीम बेगम, जिन्होंने पहले उस्ताद आशिक अली खान से और फिर मशहूर मुगनिया मुख्तार बेगम से मौसीकी की तालीम हासिल की, बाद में वो रेडियो पाकिस्तान से बतौर गुलकारा मुंसलिक हो गईं। उस जमाने में अपने फन के इजहार के लिए अकलौता मीडियम रेडियो पाकिस्तान ही हुआ करता था। रेडियो से वाबस्ता होना, वहां से गाना गाना एक एजाज समझा जाता था और रेडियो पर मौसीकी के प्रोग्रामों में शिरकत करने के लिए काफी मराहिल और इम्तिहानात से गुजरना पड़ता था। और फिर उस दौर के सिंगर्स फखरिया बताया करते थे कि वो रेडियो सिंगर हैं। कार्ड्स, अपने तारुफी कार्ड छपवाया करते थे, पोस्टर बनवाया करते थे और उन पर लिखा करते थे कि मैं एक रेडियो सिंगर हूं। मैं नसीम बेगम की एक तस्वीर देख रहा था जहां वो रहा करती थी। उस घर के बाहर उन्होंने एक लेटर बॉक्स लगा रखा था और इस पर नुमाया हरूफ में तहरीर था, नसीम बेगम रेडियो सिंगर। उस जमाने में फिल्म डायरेक्टर्स फिल्मों की अक्सबंदी मुकम्मल होने से पहले नगमों की रिकॉर्डिंग मुकम्मल करते, EMI कंपनी या दूसरी रिकॉर्डिंग कंपनियां जो हैं उन नगमात के ग्रामोफोन रिकॉर्ड बनाती हैं और फिल्म प्रोड्यूसर सबसे पहले ये ग्रामोफोन रिकॉर्ड रेडियो पाकिस्तान के मुख्तलिफ स्टेशंस को तोहफतन भिजवाते ताकि वो मौसीकी के प्रोग्रामों में नशर हों और सामईन फिल्म रिलीज होने से पहले उन गीतों को सुने, पसंद करें, ताकि जब फिल्म रिलीज हो तो वो उसे जौक दर जौक देखने के लिए आए। और ये रेडियो पाकिस्तान ही था जिसने फिल्म इंडस्ट्री के गीतों को उस वक्त शोहरत दी। आइए नसीम बेगम के चंद और गीतों की एक मुख्तसर झलक सुनते हैं। ये तमाम वो नगमात हैं जिन्होंने रेडियो के जरिए ही अवामी मकबूलियत हासिल की और इन नगमात से जुड़े मौसीकारों, शायरों और गुलकारों ने बेपनाह शोहरत हासिल की। छुप गई सीता
नसीम बेगम ने 14 बरस फिल्मी सनत में बहसियत प्लेबैक सिंगर के गुजारे। इस दौरान उन्होंने 800 से जायद नगमात गाए, कोई 450 के करीब फिल्मों के ये नगमात थे। पंजाबी नगमात की तादाद उर्दू नगमों के मुकाबले में कदरे ज्यादा है। वजह आपकी खिदमत में गुजारिश की थी कि कैरियर के आखिरी हिस्से में दूसरी गुलकाराओं खासतौर पर माला बेगम की उर्दू फिल्मों के लिए ज्यादा मांग थी। अपने कैरियर में जिस कदर मकबूल नगमात उन्होंने गाए वो भी एक रिकॉर्ड है। मकबूलियत और शोहरत का 14 बरस पर मुहित कैरियर पलक झपकते गुजर गया। सन 1957 में उन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखा और 29 सितंबर सन 1971 को सिर्फ 35 बरस की उम्र में दाईये अजल को लब्बैक कहा और रब के हुजूर पेश हो गईं। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री और मौसीकी के चाहने वालों के लिए ये एक नाकाबले तलाफी नुकसान और सदमा था, और इस नुकसान की आज तक न तो तलाफी हो सकी और ना ही उनके यूं अचानक और बेवक्त जुदा होने वाले दुख का एहसास जायल हो सका। मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, तेरी महफिल में लेकिन हम न होंगे। मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, तेरी महफिल में लेकिन हम न होंगे। मोहब्बत करने वाले कम न होंगे।